कैंट पुलिस ने 25,000 के इनामी शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को मोहद्दीपुर रोड निकट वी पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विशेष कुमार दुबे पुत्र विंध्याचल दुबे निवासी कलापोष धनौती थाना मुसफ्फिल जनपद सिवान प्रदेश बिहार के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वर्ष 2020 में मैंने अपने साथी के साथ मिलकर इंजीनियरिंग कॉलेज के क्षेत्र से 22 लाख रुपए की लूट किया था तथा छिप कर रह रहा था तथा अपने साथियों के साथ जनवरी वर्ष 2021 में जय नारायण शाह उर्फ गुड्डू की हत्या गघा क्षेत्र गोरखपुर में पैसों के लिए किया था तथा उसके बाद से वह अपने साथियों के साथ इधर उधर छिप कर रह रहा था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, इंस्पेक्टर सुशील कुमार पटेल, उप निरीक्षक विजय कुमार गौड़, हेड कांस्टेबल धीरज सिंह, वीरेंद्र तिवारी, रंजीत सिंह, कांस्टेबल रामानंद सागर, कमलेश यादव, रोहित सिंह सहित महिला कांस्टेबल कुमारी दिव्या शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, हो गया अरे ऐसा व्यवस्था नहीं कराया क्या ये मैं अपराधी पकड़ा गया है। कैंट इंस्पेक्टर की टीम ने पकड़ा है इसको। इस पर डकैती के और हत्या के आरोप हैं। ये वांछित चल रहा था, गघा से वांछित चल रहा था और वहाँ पे जनवरी 2021 में जय नारायण शाह उर्फ गुड्डू की हत्या के मामले में वांछित था। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग कॉलेज 2020 में 22 लाख रुपए की जो घटना हुई थी लूट की घटना, उसमें भी ये वांछित था। इसको इसका नाम है विभेश कुमार दुबे और इसको मोहद्दीपुर रोड बी पार्क से 18/1/2022 को रात 9:20 पर गिरफ्तार किया गया है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए हैं और मुकदमा अपराध संख्या 45/22 धारा 3/25 आम सेक्ट इस पर लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है, 1305/20 है कैंट थाने का और 14/21 गघा थाने का, जैसे मैंने भी आपको बताया, और 45/22 धारा 3/25 आम सेक्ट का मुकदमा भी इस पर।